तो हमारा पहला क्वेश्चन है किसका, जर्नल का। हमने अभी तक जर्नल में हमने अपने रूल्स को याद कर लिया था, और एक बार हम रूल्स को लिख भी लेते हैं। रूल्स के बिना हम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब तक हमें रूल्स नहीं आते होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए रूल्स का आना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। देखिए रूल क्या है, रूल है, एक रूल डेबिट का है और एक रूल क्रेडिट का है। रूल क्या है, एक रूल एक रूल पर्सनल का, एक रूल रियल का और एक रूल नॉमिनल का। ऐसा ही है, ठीक है। क्या है पर्सनल का रूल, बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस, ऑल इनकम या लॉस भी लिख लो, और क्रेडिट ऑल इनकम, या प्रॉफिट लिख लो। ठीक है, हमने ये रूल जब सीखे थे तो हमने एक बात और सीख ली थी कि अपने आप को हमेशा क्या मानना है, बिजनेस। हमेशा अपने आप को क्या मानना है, बिजनेस। कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानना, हमेशा खुद को बिजनेस मान के सोच रहा है। कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानना, हमेशा रिसीवर गिवर दूसरे बंदों को मानोगे, खुद को नहीं मानोगे। इसके पीछे मैंने कारण ये दिया था, हम रिसीवर गिवर उस बंदे को मानते हैं जिससे या तो हमें पैसे लेने होते हैं या पैसे देने होते हैं, क्लियर है, डेटर या क्रेडिटर। और हमें खुद से ना तो लेने होते ना खुद को देने होते, इसलिए हम खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानते। बहुत सारी ट्रांजेक्शन में हम रिसीवर भी होंगे, बहुत सारी ट्रांजेक्शन में हम गिवर भी होंगे, लेकिन खुद को मानना नहीं है। अब ये बोलना मैं हूँ रिसीवर पर मानूंगा नहीं, क्लियर ही नहीं है। देखिए जर्नल को बनाने का सबसे पहले आपको फॉर्मेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे बेटा मिड ऑफ द पेज, पेज के बीच में हम क्या लिखते हैं सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मतलब उस बंदे या कंपनी का नाम जिसके तुम खाते बना रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर उसकी बुक में तुम क्या बनाने गए हो, क्या बनाना सिखा रहा हूँ तुम्हें, उसकी बुक में बनाना सिखा रहा हूँ जर्नल। पहला क्वेश्चन है हमारे जर्नल का, क्लियर है। चलो उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी, फॉर्मेट देखना। अकाउंट के अंदर हर चीज फॉर्मेट बेस्ड है, जैसे अकाउंट ने इक्वेशन फॉर्मेट बेस्ड थी, ऐसे ये भी फॉर्मेट बेस्ड है, क्लियर है। क्या है देखो जी, फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं, ये कॉलम बनेगा इतना मोटा, ये सबसे ज्यादा बड़ा, और ये जितना छोटा कर सकते हो LF को उतना छोटा कर दो, ठीक है। और ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर बराबर, ठीक है। मैं लाइनिंग नहीं खींच रहा, हालांकि आपको पूरी पूरी नीचे तक लाइनिंग खींचनी होती है, ठीक है। आपके मन में एक सवाल आएगा, ये एल एफ का मतलब क्या है, ज्यादातर बच्चे ये पूछते हैं। बेटा एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या मतलब होता है मेरे बेटा, लेजर फोलियो। एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, क्लियर ही नहीं है, लेजर फोलियो। अभी लेजर फोलियो क्या है, यहाँ पे क्यों बनाया गया है, ये एक्चुअली जब मैं तुम्हें जर्नल के बाद लेजर सिखाऊंगा तो तुम्हें इसका मीनिंग क्लियर होगा। अभी ये मान के चलो सिर्फ एल एफ का फॉर्मेट आपने बना दिया है फॉर्मेलिटी के लिए, करना कुछ नहीं इस कॉलम का, ये खाली पड़ा रहता है, कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
साथ साथ करेंगे प्यार से और मोहब्बत से। ठीक है, देखो जी, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा एक क्वेश्चन, सिंपल जनरल एंट्री नजर आ रही होंगी, पर देखो क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी जो भी आपको एंट्री दी गई है उनकी मतलब जनरल बना के दिखाई है। आपको मैंने बताया था कि ट्रांजेक्शन दो तरीके की होती थी, पहले याद करो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता था, वो सभी एक्टिविटी जिसके बेस पर मेरा बिजनेस चल रहा है उसमें क्या कहते थे, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन होती थी दो तरीके की, एक होती थी मॉनिटरी और एक होती थी नॉन मॉनिटरी। क्लियर है सभी को? एक होती थी मॉनिटरी और एक होती थी नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी वो होती थी जहाँ पैसा होता है, और नॉन मॉनिटरी वो होती है जहाँ पैसा नहीं होता। ये सब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कहते हो। अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती थी, खाली मॉनिटरी। अकाउंट में कौन सी रिकॉर्ड होती है, खाली मॉनिटरी। अकाउंट नॉन मॉनिटरी को दिखता नहीं है। ये जो तुम्हें दे रखी है ना मेरे बेटा जी, ये जो तुम्हें पकड़ा रखा है, ये सब क्या है मेरे बेटा जी, ये सब मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है। अगर गलती से तुम्हें यहाँ पर कोई इन्होंने नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन दे दी ना, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, इग्नोर मार देना। क्या कर देना मेरे बेटा जी, इग्नोर मार देना। वो पता लग जाएगा आपको अपने अकॉर्डिंग की कैसे पहचानोगे। मैंने बोला ना जहाँ पैसा इन्वॉल्व है, क्लियर है, वो क्या हो जाएगी मेरे बेटा जी, मॉनिटरी। और जहाँ पैसे का भी लेन देन नहीं हुआ, ये है ना, या लेन देन होना बाकी है, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, नॉन मॉनिटरी। अब जैसे अगर आप देखोगे 2020 अप्रैल की पहली तारीख लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है क्या लिखा है मेरे बेटा जी, ट्रांजेक्शन देखो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नजर आ रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने बिजनेस शुरू करा है कैश लगा के। आ जाओ इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं, देखो मेरे बेटा, ठीक है, मैं तीसरे पेज पे करता हूँ बेटा। देखो ये मान के चलो ये कौन है, ध्यान से समझो सही बच्चे, ये है मेरे बेटा जी ओनर। कौन है मेरे बेटा जी, ये ओनर है, ओनर मालिक। क्लियर है, मालिक क्या शुरू करता है, बिजनेस। मालिक ने क्या शुरू करा, बिजनेस शुरू करा। क्लियर है ही नहीं? और बिजनेस शुरू करने के लिए मालिक ने क्या लगाया, पैसा, जिसे तुम क्या कहते थे, कैपिटल। मालिक ने पैसा लगाया, कैपिटल है, बोलो हाँ है ना मेरे बेटा। मैंने अभी बताया था तुम्हें, जब तुम्हें रूल अप्लाई करोगे खुद को क्या मानोगे, आप खुद को ऑनर मानोगे, बिजनेस मानोगे। हम खुद को हमेशा क्या मानते हैं, बिजनेस बन के सोचते हैं। तो सोचो मैं बिजनेस हूँ, आप ये हो, आप ये हो, आप बिजनेस हो, और बिजनेस के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। ये कौन दे रहा है पैसा, ठीक मालिक, ओनर। हाँ ये ना, तो अब रूल लगा दे मेरे बेटे जी, मुझे बताओ, अगर हम बिजनेस है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम कौन हुए, हम हुए रिसीवर, बोलो हाँ ये ना भाई, हम रिसीवर हुए, हमारे पास पैसा आ रहा है। गिवर कौन हुआ, हमें पैसा कौन दे रहा है, मालिक। तो मालिक कौन हुआ मेरे बेटे जी, गिवर, बोलो हाँ ये ना। लेकिन आपको याद है मैंने एक बात और बोली थी, हम कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानेंगे, हम कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानेंगे। तो देखो हम रिसीवर हैं, पैसा आ रहा है, हम रिसीवर हैं बट मानेंगे नहीं। मैंने यही बात बोली थी, आप होंगे रिसीवर बट मानोगे नहीं, दूसरों को मान रहे हो, मालिक को मान रहे हो। क्लियर है? फिर सोचो, कम्स इन क्या कुछ आ रहा है, जी हाँ मैं बिजनेस हूँ, मालिक मुझे पैसे दे रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ जा रहा है, नहीं मेरे पास कुछ नहीं जा रहा, कट। सोचो क्या कोई एक्सपेंस है, नहीं मेरा तो कोई खर्चा वर्चा नहीं है। लेकिन मेरी कोई इनकम है क्या, नहीं मेरी इनकम भी नहीं है। नहीं, जो पैसा आ रहा है इनकम होनी चाहिए मेरे बेटा। देखो ऐसा है, हर बार पैसे का ना इनकम नहीं है। ये बताओ ना, मालिक अगर बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगाता है तो क्या बिजनेस उसे इनकम मानेगा? अरे ऐसे तो फिर वो पैसा लगाते रहेगा। ठीक है, इनकम तब होती है जब वो बिजनेस चलना शुरू हो जाता है, रन करना शुरू कर देता है, और चलता वो बिजनेस क्या करता है, इनकम क्रिएट करना शुरू करता है, मतलब रेवेन्यू क्रिएट करता है, उसे हम इनकम रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर है, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो हमने रूल लगाया, पहली दफा पहली ट्रांजेक्शन में रूल लगाया, क्लियर हुआ? अब सबसे पहले तुमने क्या लिखा हुआ है, डेबिट लिखा हुआ है, उसके बाद तुमने क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, बोलो हाँ ये ना। तो पहले आप किसका पल्लू पकड़ोगे, डेबिट का। तो मनी मन बोलना, क्या बोलोगे, मनी मन बोलना, पल्लू पकड़ लो, क्या बोलोगे,
पल्लू पकड़ लो, किसका? डेबिट का। चेक करो मेरे बच्चों, डेबिट की लाइन है, देखो ये डेबिट की लाइन दे रही है, डेबिट की इस लाइन में तुमने कहां राइट मारा, राइट कहां लगाया है? हरे कलर से, ठीक है ना? हमने राइट लगाया है व्हाट कम से, क्लियर है? यानी कि हमें क्या डेबिट करना है, हमें कम से डेबिट करना है। क्या डेबिट करना है? कम से। क्या आ रहा है हमारे पास? हम बिजनेस है, हमारे पास क्या आ रहा है? ठीक है, हमें याद नहीं आ रहा, पढ़ लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मालिक ने बिजनेस शुरू करा कैश लगा के 60,000 रुपए का, यानी कि हम बिजनेस है, मालिक हमें कैश दे रहा है 60,000 रुपए, तो हमें क्या डेबिट करना है? कम से। क्या आ रहा है हमारे पास? कैश आ रहा है, तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है? नहीं है आई वैसे भी नहीं आई, क्लियर है? चलो जी, क्या डेबिट में कहीं और राइट है मेरे बच्चों? डेबिट में कहीं और राइट है? राइट कहाँ है डेबिट में? राइट डेबिट में राइट कहाँ पर है? कट लगा दिए बेटा, ठीक है, डेबिट में कहीं और राइट नहीं है, क्लियर ही नहीं है? आप किसका पल्लू पकड़ोगे? क्रेडिट का। क्रेडिट में राइट कहाँ पर है? द गिवर। गिवर कौन था मेरे बेटा जी? ओनर। पैसे देने वाला कौन था? ओनर, ठीक है। अब देखो, क्रेडिट करने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा हम इधर स्पेस देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और यहाँ थोड़ा सा यहाँ की तरफ देते हैं, टू। टू का मतलब ही क्रेडिट होता है, टू का मतलब ही क्रेडिट होता है। टू कौन है गिवर? ओनर। ओनर का नाम दे रखा है? नहीं। देखो याद रखना, एक मैंने आपको पहले बताया था, एक मालिक, एक बिजनेस कभी अपने मालिक का नाम नहीं लेता। अगर मालिक पैसा लगाता है तो मालिक के नाम की जगह क्या लिख देंगे? कैपिटल। बोलो हाँ या ना? मालिक के नाम की जगह। डन है, क्लियर है? चलो जी, अमाउंट कितनी है? 60,000। देखो जो डेबिट है, डेबिट वाली अमाउंट डेबिट के कॉलम में डाल देना, और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट के कॉलम में डाल देना। बात क्लियर हो गई? जब आप ये एंट्री बना दोगे, जब भी आप ये एंट्री बना दोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे? नरेशन। जोर से बोलो, क्या बोलोगे? नरेशन। नरेशन बोलना है, लिखना नहीं है, ठीक है? नरेशन लिखी कैसे जाती है अब ये सीखना। नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग, ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग। हमेशा पहले बीइंग लिख देना, फिर नरेशन शुरू होगी। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस शुरू करा कैश लगा के। मेरी बात के लिए हुई नहीं हुई? आई बस अभी नहीं आई। अच्छा, डेट भी लिखनी होती है। डेट क्या मेरे बेटा? देखो, 2 अप्रैल की 1 तारीख 2020, ठीक है? तो बिल्कुल सेम ऐसे लिखोगे, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। डेट का फॉर्मेट यहाँ YMD होता है, किस साल में हो, किस मंथ में हो, फिर किस डेट पर हो, YMD फॉर्मेट रहता है। क्लियर है? आई बस अभी नहीं आई। जिंदगी पहली जेल एंट्री बना चुके हम अपनी, क्लियर है? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक, क्लियर है? अब एक लाइन का गैप देंगे और पढ़ेंगे अप्रैल 2। क्या लिखा है अप्रैल 2 में? गुड्स परचेज फॉर कैश। क्या लिखा है मेरे बेटा जी? गुड्स परचेज फॉर, हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में। हालांकि ये वाली बातें मैं तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते वक्त डिस्कस कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? आ जाओ, गुड्स का मीनिंग क्या होता था? गुड्स का मीनिंग होता था द थिंग्स विच आर परचेज विद इंटेंशन ऑफ सेल। जो भी आप खरीद रहे हो बेचने के मकसद से, वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? गुड्स। वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे। मेरी बात क्लियर हो गई? आगे चलो, वो मेरे कहलाएंगे गुड्स। अब इधर देखो मेरे बेटे जी, गुड्स क्या करते हैं? पहले परचेस करते हैं, ध्यान समझ रहे ना? पहले परचेस करते हो और फिर गुड्स सेल करते हो। पहले गुड्स परचेस करते हो और फिर सेल, पहले खरीदते हो फिर बेच डालते हो, ऐसा ही है, ठीक है? लेकिन गुड्स परचेस करने के दो तरीके हैं। याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था मैंने, एक था कैश और एक था क्रेडिट। एक था कैश, एक था क्रेडिट। और ऐसे ही सेल करने के दो तरीके हैं, एक है कैश और एक है क्रेडिट सेल। क्लियर ही नहीं है? कैश परचेस, कैश सेल, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल। कैश का तो मीनिंग सबको याद रहता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, उधारी पर खरीदना या उधारी पर सामान को बेचना। देखो कैश परचेस का मतलब मैंने क्या बताया था, कैश परचेस का मैंने मीनिंग बताया था, दुकानदार के पास गए, सामान लिया, पैसा दिया, कैश परचेस, एक हाथ ले एक हाथ दे वाली कहानी कर दी।
इन क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है, दुकानदार के पास गए, सामान तो लिया पर पैसे नहीं दिए, पैसे बाद में देंगे, जब देंगे तब की तब देखेंगे, अभी नहीं दिए, उधारी। ऐसे ही कैश सेल, अब हम दुकानदार हैं, हमने सामान बेच दिया ठीक है और पैसे हैंड टू हैंड ले लिए, कैश में सेल, हैंड टू हैंड पैसे मिल गए। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी, हमने सामान बेच दिया बट अभी हमें पैसा नहीं मिला, हमारा कस्टमर सामान लेके चला गया बट पैसा नहीं मिला, उधारी की सेल, पैसा बाद में मिलेगा। हमें कैसे पता लगेगा कि कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? याद है मैंने तुम्हें क्या समझाया था, मैंने चार बातें बोली थी, अगर कैश लिखा हो, बताया था कैश लिखा हो तो कैश, अगर लिखा है ना कैश वर्ड लिखा है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कैश वाली ट्रांजेक्शन है, और अगर क्रेडिट वर्ड लिखा है, क्रेडिट लिखा हो तो क्या मानोगे आप, क्रेडिट मानोगे, उधारी वाली ट्रांजेक्शन है, क्लियर है? फिर मैंने बोला था कुछ ना लिखा हो, कुछ ना लिखा हो तो तुम क्या बोलोगे उसे मेरे बेटा जी, तुम उसे बोलोगे कैश, जब कुछ ना लिखा हो तो। और लेकिन अगर नाम लिखा हो, नेम गिवन हो, नेम गिवन हो तो तुम क्या मानोगे उसे, क्रेडिट, क्या मानोगे, क्रेडिट। तो एक बार वो बोलेंगे, कैश लिखा हो तो कैश, क्रेडिट लिखा हो तो क्रेडिट, कुछ लिखा हो तो कैश, नाम लिखा हो तो क्रेडिट। एक बार वो बोलो, कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, कुछ लिखा हो तो कैश, नेम लिखा हो तो क्रेडिट, क्लियर है? आ जाओ जल्दी से, क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है गुड्स परचेज, परचेज करे फॉर कैश, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्या, कैश, हमने गुड्स परचेज करे वो भी कैश में, यानी कि हम बिजनेस है, खुद को बिजनेस मानते हैं, हमने बिजनेस बन के सोचना है, हमने बिजनेस बन के क्या करा है, गुड्स खरीदा है और कैश दिया है, कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। तो आओ मेरे बेटा जी, माता रानी की अर्थात लगाते हुए फटाफट से क्या करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है? लो जी, पहले वाला रूल को मैं मिटा देता हूं, अपने आप को हमेशा क्या मानना है, बिजनेस मानना है, क्या मानना है, बिजनेस, और बीइंग अ बिजनेस क्या हो रहा है मेरे बेटे जी, हम गुड्स खरीद रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, क्लियर है? चलो जी, यहाँ पर किसी बंदे या बंदी का नाम गिवन नहीं है, नो रिसीवर नो गिवर, कुछ आ रहा है, यस गुड्स, कुछ जा रहा है, यस पैसा, ना कोई मेरा खर्चा है ना मेरी कोई इनकम है, क्या मेरी बात क्लियर हुई? एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है, लेकिन एक बात समझना मेरे बेटा, कई बार बच्चे कहते हैं अरे गुड्स किसी से, नाम ही तो नहीं पता लेकिन गुड्स किसी से तो खरीदा होगा, मेरे बेटा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सिर्फ एक बात पूछनी मुझे तुमसे, मुझे बताओ, मैं सामने वाले दुकानदार के पास गया, ठीक है, किसी दुकानदार के पास गया, मैंने ब्रेड खरीदी और पैसा दे दिया, तो मुझे बताओ क्या मुझे उस दुकानदार से मतलब है, क्या उस दुकानदार को मुझसे मतलब है, नहीं भैया, मैंने पैसे दिए, उसे पैसे चाहिए थे, मुझे सामान मिला, मुझे सामान चाहिए था, लेन देन हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, लेन देन कम्प्लीट, मुझे सामने वाले बंदे से मतलब नहीं है। ऑल्दो इस लेक्चर की स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने आपको एक बात और समझाई थी, क्या हम रिसीवर गिवर उस बंदे को मानते हैं जिससे या तो पैसे लेने बाकी है या पैसा देना बाकी है, अब यहाँ तो लेन देन ही नहीं है ना, कुछ पैसे लेना देना हो गया, वो तो पहले किसी रिसीवर गिवर मानने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, पहले किसका बल्लू पकड़ोगे, डेबिट का क्रेडिट का, डेबिट का, डेबिट में राइट कहाँ पर है, कम्स इन, कम्स इन क्या आ रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स आ रहा है, अप्रैल की 2 तारीख, या लिखेंगे अप्रैल की 2 तारीख, ठीक है, गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट, क्लियर है? अच्छा जी, अब ऊपर आ जाओ, क्रेडिट में राइट कहाँ पर है, गोस आउट, क्या जा रहा है, हम गुड्स खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट करने के लिए क्या करते हो, थोड़ा स्पेस लिखते हो टू, यहाँ पे क्रेडिट ऐसे नहीं करा जाता, टू लिखा जाता है, टू का मतलब ही क्रेडिट है, टू कैश अकाउंट, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, आई वैसे में नहीं आई, चलो जी, अमाउंट कितनी है मेरे बेटा जी, अमाउंट है 15,000 रुपये, डेबिट वाली अमाउंट डेबिट में लिख दो और क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट में लिख दो, नरेशन क्या लिखोगे, लिखोगे नरेशन, नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग,
नरिशिंग का मतलब होता है जो तुम एंट्री बना रहे हो उसकी समरी. तो बीइंग बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स खरीदा. क्लियर है? ठीक है चलो जी. उसके बाद हाँ हाँ अप्रैल अप्रैल ये बेटा बिल्कुल अकाउंट इक्वेशन ही है, बस अकाउंट इक्वेशन में प्लस माइनस करते थे. यहाँ पर आप क्या करो डेबिट और क्रेडिट, वहां पर डेबिट क्रेडिट होता था प्लस या माइनस की फॉर्म में, बट आपको यहाँ एक्चुअल डेबिट क्रेडिट सीखना है. क्लियर है जी? अब देखो अगेन अप्रैल 3 में क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज, हमने गुड्स परचेज करा किससे, पंकज से, लेकिन वर्ड लिखा हुआ है क्या, क्रेडिट. और याद है मैंने क्या बताया था, अगर क्रेडिट लिखा हो तो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या था, उधारी. यानी कि हम है बिजनेस, हम खुद को क्या मानेंगे, बिजनेस. बिजनेस बन के सोचो, हमने पंकज देखो तो अपने सामने पंकज बना लो, तुम्हारे सामने पंकज नजर आ रहा है, मुझे तो मेरे पंकज नजर आ रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे पंकज नजर आ रहे हैं बच्चों. ठीक है, मैंने पंकज से सामान खरीदा, इनकी पंकज मुझे गुड्स दे रहा है क्रेडिट पे, बट मैंने अभी उसे पैसे दिए नहीं है, मेरे पास से पैसा गया नहीं है. आ जाओ रूल लगाते हैं, अगर पंकज मुझे सामान दे रहा है तो पंकज सामान देने वाला, इनकी पंकज कौन हुआ, गिवर. अगर वो गिवर है तो मैं कौन हुआ, रिसीवर. लेकिन मैं रिसीवर हूँ मानूंगा नहीं, मैंने मना करा था, मानना नहीं है. कुछ आ रहा है, जी हाँ गुड्स आ रहा है. कुछ जा रहा है, जी नहीं पैसा नहीं जा रहा, उधारी है जी, अभी पैसा दिया नहीं हमने, जब जाएंगे तब पे तब देखेंगे, अभी तो नहीं जा रहा, न खर्चा न इनकम. क्लियर है? तो सबसे पहले किसको पकड़ते हो, डेबिट को क्रेडिट को, डेबिट को. डेबिट को राइट कहाँ पर है, कम से. और क्या आ रहा है मेरे बच्चों, पता है ना, गुड्स आ रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं. तो क्या लिखेंगे मेरे बेटा, गुड्स अकाउंट डेबिट, फिर स्पेस लिखेंगे टू, यानी कि क्रेडिट. अब क्रेडिट में राइट कहाँ पर है मेरे बेटा जी, द गिवर. गिवर कौन है मेरे बेटा जी, पंकज. क्लियर है? क्या लिखे, गिवर गिवर कौन है मेरे बेटा जी, पंकज. तो टू पंकज अकाउंट. क्लियर ही नहीं है? मन में एक सवाल आता है बच्चे तुम्हारे, अरे जैसे आपने मालिक का नाम नहीं लिखा था, कैपिटल लिख दिया था, यहाँ नहीं लिखा जाएगा बेटा, मालिक के नाम की जगह कैपिटल वर्ड आ रहा है, पंकज मालिक नहीं है. क्लियर? यहाँ नाम दिया हुआ है. ठीक है, तो वह था टू पंकज लिखो, ये एपोस्ट्रोफ एस लगाकर अकाउंट लगाना चाहते हो तो अकाउंट लगा दो. इधर टू पंकज, ये टू पंकज अकाउंट, टू पंकज अकाउंट. क्लियर है? हाँ जी. अमाउंट कितने मेरे बेटे जी, थर्ड की 18,000 रुपए लिखते हैं. डेबिट वाली अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट में. बात क्लियर हो गई? एंड अगेन नरेशन, क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज, हमने गुड्स परचेज करे किससे, पंकज से. बात क्लियर हो गई? अप्रैल की कौन सी तारीख थी, 3 तारीख लिख दो जी. बात क्लियर हो गई? अब लेट मी वन थिंग, एक चीज और क्लियर कर लो मेरे बेटा. देखो जैसे यहाँ पर मैंने गुड्स वर्ड लिखा है, गुड्स वर्ड नहीं लिखा जाता, गुड्स लिखा है, गुड्स नहीं लिखा जाता, तो फिर क्या लिखोगे. देखो आ तो गुड्स रहा है, कम से कम डेबिट होते हैं तो गुड्स डेबिट हो चाहिए, लेकिन गुड्स अकाउंट कभी ओपन नहीं होता. जब भी गुड्स परचेज करते हो तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिखते हैं, गुड्स की जगह क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट. यानी कि जब भी तुम गुड्स खरीदोगे तो परचेज अकाउंट लिखोगे, और सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट लिखोगे. गुड्स अकाउंट नहीं रिकॉर्ड होता, गुड्स अकाउंट कभी ओपन नहीं होता. गुड्स की जगह 2 अकाउंट आते हैं, खरीदते वक्त परचेज और बेचते वक्त सेल. क्लियर है? मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप गुड्स खरीदोगे, देखो जी, तो यानी कि आप ये समझ लो मेरे बेटा जी, आप कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, खरीदते वक्त परचेज अकाउंट लिखोगे. जब भी खरीदोगे परचेज लिखने का मतलब ही गुड्स है, परचेज लिखने का मतलब ही गुड्स है. क्लियर ही नहीं है? और जब भी तुम सामान बेचोगे तो क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट. तो सेल करने का मतलब ही, सेल लिखने का मतलब ही गुड्स है. हाँ है ना, सेल करने का मतलब ही गुड्स है. ठीक है, बस गुड्स नहीं लिखना होता, परचेज के टाइम पे परचेज, सेल के टाइम पे सेल. बात क्लियर हो गई? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 5 आ जाओ. देखो सेल की एंट्री दिख गई, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट. लो जी
हमने 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 नरेश को बेचा है, वो भी क्रेडिट पर बेचा है, वो भी क्रेडिट पर, यानी कि हमने सामान तो बेच दिया, बेच दिया नरेश को, बट अभी पैसा मिला नहीं है, तो हम बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे, अब हम बेचने वाले बंदे हैं। आ जाओ लगाते हैं रूल, बताओ हम खुद को क्या मानते हैं मेरे बेटा जी, बिजनेस, और बिजनेस बन के सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नरेश को सामान बेच रहा हूँ, यानी कि मैं नरेश को सामान गुड्स दे रहा हूँ, तो आई एम द गिवर एंड इज द रिसीवर, हाँ ये ना, मतलब पंक नरेश जो है वो रिसीवर है और मैं कौन हूँगा, गिवर, पर खुद को गिवर मानूंगा नहीं, कुछ आ रहा है नहीं, क्योंकि सामान बेचा है, पैसे आने हैं, पर क्योंकि उधारी में बेचे, क्रेडिट लिखा है, तो पैसा आ नहीं रहा, जब आएगा तब की तब देखूंगा, अभी देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, कुछ जा रहा है, हाँ गुड्स जा रहा है, बात खत्म, लग गया रूल, ना कोई खर्चा है ना कोई इनकम है, क्लियर है। डेबिट का पहले, डेबिट में तो राइट कहाँ पर है, डेबिट में राइट देखो नजर आ रहा होगा, रिसीवर, रिसीवर कौन है मेरे बेटा जी, नरेश, अप्रैल की कौन सी तारीख है मेरे बेटा जी, अप्रैल की 5 तारीख, अप्रैल 5, अप्रैल 5, क्लियर है ना, अप्रैल की 5 तारीख है, तो बताओ रिसीवर कौन है, नरेश, क्या लिखेंगे, नरेश, ये तो खाली नरेश लिखो, ये नरेश अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस 2, क्रेडिट में राइट कहाँ पर है, गोज आउट, क्रेडिट में राइट कहाँ पर है, गोज आउट, क्या जा रहा है, गुड्स, याद है मैंने क्या बोला था, गुड्स जब बेचते हो तो तुम क्या लिखोगे, सेल्स, गुड्स लिख के सेल्स, डन, क्लियर है, कितने रुपए है मेरे बेटा जी, ये 9000 रुपये, जितना डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश, डन, नाउ नेक्स्ट, क्या लिखा है मेरे बेटा जी, अप्रैल की 7 तारीख, एक काम करते हैं, अभी मैं अप्रैल की 7 तारीख और 9 तारीख रोक रहा हूँ, स्पेस दे दूंगा, अभी पूरा खत्म हो तो फिर बताऊंगा, पहले आते हैं अप्रैल 10 में, अब क्या लिखा है, अप्रैल 10 में लिखा है कैश पेड टू, कैश पेड टू अजय, कैश पेड टू अजय, क्लियर है, कैश पेड टू अजय, हमने अजय को पे करा, हमने अजय को पे करा, क्लियर है, अब दिमाग लगाना, रूल लगाते हैं, हमने अजय को अगर पे करा है, खुद को क्या मानते हैं मेरे बच्चों, बिजनेस, और कभी खुद को रिसीवर की बार नहीं मानते, अब सोचो अगर मैं अजय को पे कर रहा हूँ तो अजय कौन हुआ, मैं पैसा दे रहा हूँ उसे, पे कर रहा हूँ, कैश पे कर रहा हूँ, तो अजय कौन हुआ, रिसीवर, मैं पैसा दे रहा हूँ, अजय रिसीवर, मैं कौन हुआ, गिवर, मानूंगा नहीं, मैं गिवर हूँ, मानूंगा नहीं, कुछ आ रहा है नहीं, पे कर रहा हूँ तो पैसा जा रहा है, न खर्चा न इनकम, क्लियर है, ठीक है। डेबिट में राइट कहाँ पर है मेरे बेटा, रिसीवर, डेबिट में राइट कहाँ पर है, रिसीवर, कौन है रिसीवर, अजय, लिखो जी, अच्छा थोड़ा स्पेस देना था ना, यहाँ पे लिखते हैं, रिसीवर कौन है, अजय, अजय अकाउंट डेबिट, क्लियर है, और क्रेडिट में राइट कहाँ पर था मेरे बेटा, देखो क्रेडिट में राइट है गोज आउट में, क्या जा रहा है हमारे पास, हम पे कर रहे हैं कैश, तो थोड़ा स्पेस टू कैश अकाउंट, बात क्लियर हो गई, आए ना, बोलो मेरे बेटा जी कितने रुपए हैं, ये रहे 6000 रुपये, तो जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट, ऐसा ही है, फिर नरेशन, नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स, सॉरी बीइंग कैश पेड टू अजय, सही है, अप्रैल की 10 तारीख लिख दो, अप्रैल 10, नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, कमीशन रिसीव्ड, अब आया मेरे बेटा मेन पॉइंट, हमें कमीशन मिला है, कमीशन मिलने से क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, पैसा, कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास, बोलो
2700 रुपये आ रहे हैं, क्लियर ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ रूल लगाते हैं, रूल लगाते हैं। देखो अगर हमें कमीशन मिल रहा है तो हमारे पास, देखो सामने वाले बंदे ने कमीशन दिया, बात खत्म। मुझे सिर्फ एक बार बता रहा, अगर तुम मेरे एम्प्लॉई हो और मैं तुम्हें सैलरी दे दूं, तो भैया मैंने तुमसे काम करवा लिया, सैलरी दे दी, बात खत्म। मैं तुम्हें रिसीवर की ओर मानने वाला, काम करवाया, सैलरी दे दी, ऐसे मुझे कमीशन मिला तो किसी के लिए मैंने काम किया होगा, उसने मुझे कमीशन दिया, बात खत्म। तो यहाँ पर कोई रिसीवर कोई गिवर होने वाला नहीं है, काम कर कमीशन मिला, कमीशन मिला तो पैसा आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा, खर्चा नहीं है, लेकिन कमीशन मिलना क्या हो गया, हमारी इनकम बन गया, इनकम पे टिक आएगा, व्यापार करा, काम किया, पैसा कमाया, इनकम कमाई, डन। डेबिट में राइट कहाँ पर है मेरे बच्चों, कम सेन, डेबिट में राइट कहाँ पर है मेरे बेटा जी, कम सेन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, क्या आ रहा है मेरे बेटा जी, कैश, कमीशन आ रहा है, कमीशन में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट, क्लियर है। और क्रेडिट में राइट कहाँ था, याद है, क्रेडिट में राइट था इनकम, इनकम का नाम क्या है मेरे बेटा जी, इनकम का नाम है कमीशन, क्या लिखोगे, टू कमीशन अकाउंट, क्लियर है। अमाउंट कितनी, आ जाओ देख लेते हैं, अमाउंट गिवन है 2700 रुपये, चलो जी, जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कमीशन रिसीव, कमीशन मिला है, कौन सी डेट है, अप्रैल की 12 तारीख, बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या लिखा है, आ जाओ अप्रैल 15, फर्नीचर परचेज, अब देखो फर्नीचर परचेज करा है, दो बातें होंगी, या तो कैश में या क्रेडिट में, डबल वहां है ना, ठीक है, याद है मैंने क्या बताया था, अगर कैश लिखा होता तो कैश मानता, क्रेडिट लिखा होता तो क्रेडिट मानता, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानूंगा, कैश, लेकिन अगर नाम लिखा होता फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, नाम लिखा होता तो क्रेडिट मानते, बट यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे, कैश, हमने फर्नीचर खरीदा 7000 का और पैसे दे दिए, क्लियर ही नहीं है, आ जाओ रूल लगाते हैं। अब फर्नीचर ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, हाँ है ना, यहाँ पे कोई नाम गिवर नहीं है, नो रिसीवर नो गिवर, कम से फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, कोई खर्चा नहीं है और कोई इनकम नहीं है, एक एसेट आ रही है एक एसेट जा रही है, डन। डेबिट में राइट कहाँ पर है, सबसे पहले डेबिट में राइट कहाँ पर है, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो तुम क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब एक बात और बोलूं, कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं अरे यहाँ परचेज आएगा, ये बच्चे परचेज वर्ड यूज करते हैं, मेरे बेटा कॉन्सेप्ट को ना कान खोल के सुना करो, बड़े प्यार से समझ में आएगा मेरे बेटा जी, मैंने बोला था परचेज वर्ड और सेल वर्ड कहाँ आता है, जहाँ गुड्स होते हैं, यहाँ गुड्स वर्ड नहीं लिखा हुआ, गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसका तुम व्यापार करते हो, और तुम फर्नीचर के व्यापारी नहीं हो, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, यह फर्नीचर ही लिखा जाएगा, क्लियर है। चलो जी, टू हमने फर्नीचर खरीदा वो भी कैश में, तो गोस आउट पे टिक था, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश अप्रैल की 15 और 7000 का फर्नीचर था, जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट, आप देख रहे हो दो जो इफेक्ट है, डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर रहने चाहिए, हमेशा बराबर आने चाहिए, जितने का डेबिट है उतने का ही क्रेडिट। चलो जी नेक्स्ट, अप्रैल 16 क्या लिखा है, रेंट पेड टू अमित, हमने अमित को रेंट पे करा, पहली बात तो समझ लो हम रेंट पे क्यों करेंगे, हो सकता है हमने अमित की कोई जगह ले रखी होगी किराए पर, तो उसे बदले में क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं मेरे बेटा जी, रेंट, अमित अप्रैल की 16 तारीख, आ जाओ लगाते हैं रूल,
आराम से लगाना मेरे बेटा जी रूल, बड़े प्यार से लगाएंगे रूल। बताओ अगर हम रेंट पे कर रहे हैं अमित को, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं अमित को, तो देखा जाए तुम्हारे मन में एक भाव आएगा, भैया अमित को हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो अमित तो हो जाएगा रिसीवर, हम हो जाएंगे गिवर, बट मानेंगे नहीं, कुछ आ नहीं रहा लेकिन पैसा जा रहा है। रेंट पे करना खर्चा होता है लेकिन हमारी इनकम नहीं है। अब मेरे बेटा मैं आपसे ना एक बात पूछता हूँ, मैं अगेन वही वाली बात करता हूँ, तुमने कोई जगह किराए पे ले रखी है, तुमने उस जगह को यूज करा और रेंट दे दिया, और रेंट देने के बाद क्या तुम्हें मकान मालिक से मतलब है? कोई मतलब नहीं है यार, सच में कोई मतलब नहीं है। तुमने रेंट दिया, बात खत्म। तो ऑब्वियस बात है ना, यहाँ पे तुमने मकान मालिक को क्या मान लिया? अमित को रिसीवर। तुम यहाँ पे एक्चुअली में रिसीवर मानना नहीं, क्योंकि रेंट देने के बाद वास्ता खत्म हो जाता है। हाँ है ना, जब नया रेंट आएगा तब की तब देखेंगे, डन है? तो आ जाओ डेबिट में, अब देखो राइट कहाँ पर है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नाम क्या है मेरे बेटा जी? यहाँ पे खर्चे का नाम है रेंट। तो क्या लिखोगे? रेंट अकाउंट डेबिट, क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी? देखो क्रेडिट में राइट कहाँ पर है, गोज आउट। क्या जाए मेरे बेटा जी? गोज आउट। क्या जा रहा है? गोज आउट। क्या जा रहा है बताओ? कैश जा रहा है, रेंट पे कर रहे हैं तो। और बीइंग नरेशन लिख दो, बीइंग बीइंग रेंट पेड, कितने रुपए? 5,000 रुपए। बात क्लियर हो गई? नाउ नेक्स्ट, अब आता है अगली ट्रांजेक्शन, अप्रैल, देखते हैं जो भी तारीख होगी, अप्रैल 19, अगेन सोल्ड। आज क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अब देखो लिखा भी हुआ है, देखो मैं अगेन वही बोलूंगा, हमने सामान बेचा सुमित को कैश में, कैश लिखा है तो कैश, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, नाम लिखा है तो कुछ लिखा है तो कैश, नेम लिखा है तो क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ कैश लिखा है, क्या मानोगे? कैश मानोगे बेटा? बोलो हाँ, ये ना क्लियर है? नहीं, यहाँ तो नाम भी लिखा हुआ है बेटा, कैश, मैंने बोला कैश लिखा है तो कैश माना पड़ेगा। तुमने सुमित को सामान बेचा और सुमित से पैसे ले लिए, अब तुम्हें सुमित से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है? तो बेटा कितने हैं? 6,000 रुपये। तो देखो आ जाओ रूल लगाते हैं, आओ मेरे बेटे रूल लगाए। देखो अगर तुम सुमित को सामान बेच रहे हो तो सुमित हुआ रिसीवर, हम वही गिवर मानेंगे नहीं, बट अपन के पास पैसा आ रहा है, कैश में बेचा है, गुड्स जा रहा है, यहाँ कोई खर्चा नहीं है ना कोई इनकम। अब देखो सामने वाला बंदा रिसीवर तो है, पर तुम्हें उसे रिसीवर मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना? क्योंकि तो तुमने भैया सामान दिया, पैसा लिया, लेन देन खत्म। हम रिसीवर गिवर उसको मानते थे जिससे पैसा लेना बाकी हो या देना बाकी हो, और सुमित से तो लेन देन हमारा खत्म हो गया, डन। तो डेबिट में राइट कहां पर है मेरे बेटा जी? कम सेल। क्या आ रहा है हमारे पास? सामान बेच रहे, हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा। पैसों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैश। कैश। और क्रेडिट में राइट कहां पर है? गोज आउट। क्या जा रहा है? गुड्स, गुड्स बेचा है। और याद है जब गुड्स बेचते हो तो तुम क्या लिखते हो? सेल्स। क्या लिखते हो? सेल्स अकाउंट, क्लियर है? दोबारा लिख देते हैं, सेल्स अकाउंट, क्लियर? हाँ जी। अमाउंट नहीं देखी हमने, अमाउंट है 6,000 रुपये। अप्रैल की 19 तारीख, बीइंग नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमित फॉर कैश, डन। नाउ नेक्स्ट, अप्रैल 24, अप्रैल 24, क्या लिखा अप्रैल 24 में पढ़ना? कैश सेल, कैश में सेल करा, कैश में बेचा। बेटा हम क्या खरीदते हैं और क्या बेचते हैं? गुड्स। कैश में सेल करा, सेल करा, गुड्स गया, पैसा आया, सेम रूल, करा
कम्सिन एंड गोज आउट, नो रिसीवर, नो गिवर, पैसा आ रहा है, गुड्स जा रहा है, न खर्चा न इनकम. तो डेबिट में राइट कहां पर है? कम्स इन. क्या रहा है? कैश. बिल्कुल सेम एंट्री ऊपर वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू गोज आउट सेल्स अकाउंट. अप्रैल की 24 की, चलो जी. अमाउंट अमाउंट थी 7,000 रुपये. जितने का डेबिट उतने का ही क्रेडिट. यहाँ पे नरेशन लिख दो, बी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, डन. नाउ अप्रैल 24 के बाद अप्रैल 30, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, हमें नरेश से पैसा मिल गया है ऑन अकाउंट. बेटा क्योंकि मैंने अभी ऊपर की दो एंट्री छोड़ी हुई है ना, क्लियर है? चलो कोई नहीं, वैसे कर सकते हैं हम ये. हमें पैसा मिल गया है नरेश से, कितने रुपये? 5,000 रुपये, क्लियर है? अब भैया अगर नरेश से हमें पैसा मिल गया है, ठीक है, तो बताइए अगर हमें नरेश से पैसा मिल गया है तो बताना मेरे बेटा. नरेश पैसा दे रहा है, दैट इज नरेश कौन हुआ? पैसा देने वाला, गिवर. हम कौन हुए? रिसीवर. मानेंगे नहीं, कुछ आ रहा है, पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा, न खर्चा न इनकम. तो डेबिट में राइट कहाँ पर है? व्हाट कम्स इन. क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है नरेश से, कैश अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट में राइट कहाँ पर था? गिवर. गिवर कौन था यहाँ पर? नरेश. Being cash received from Nourish April ki 30 tarikh 5000 rupaye jitne ka debit उतने का क्रेडिट. डन. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज की, फिर वो बाकी दो करेंगे. सैलरी पेड 30 तारीख है, 10,000 रुपये. बिल्कुल रेंट की तरह लगेगी एंट्री, जैसे रेंट की लगाई थी हमने. हमने एम्प्लॉय से काम करवाया, सैलरी पे करी, हमें कोई एम्प्लॉय से मतलब था ही नहीं. यहाँ पे कोई रिसीवर नहीं है, कोई गिवर नहीं है, क्लियर है? सैलरी पे करोगे तो कुछ आएगा तो है नहीं, लेकिन जाएगा पैसा. और सैलरी पे करना क्या कहलाता है? हमारा खर्चा, क्लियर है? तो डेबिट में राइट कहाँ पर है मेरे बेटा जी? खर्चा. खर्चे का नाम क्या है? सैलरी. और गोज आउट है अप्रैल की 30, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट. नरेशन बीइंग सैलरी, क्लियर है? जब हमारी सारी एंट्री खत्म हो जाती है ना मेरे बेटा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट का सारा टोटल, जितने भी डेबिट डेबिट वाली अमाउंट है वो, और यहाँ पे क्रेडिट का टोटल, जितने भी क्रेडिट क्रेडिट वाले अमाउंट टोटल. और ये ऑफिस बात है, जितने का तुमने डेबिट किया उतने का तुमने, तो दोनों ये टोटल क्या आएंगे? बराबर आएंगे, क्लियर है? ये क्या, ये जो है ना, ये ऊपर सिंगल नीचे डबल, ऐसे करना है. ऊपर सिंगल है, नीचे डबल लाइन, इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ टोटल है ये. ऊपर सिंगल नीचे डबल, समझ गए? आ जाओ अब मेरे बेटा. जैसे हमने एक दो चीज तो पढ़ ली थी, गुस्को खरीदना और बेचना, लेकिन अब दो चीजें और पढ़ लो. मुझे कुछ करना नहीं है इसमें, है बड़ा आसान, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है. एक होता है मेरे बेटा जी परचेज रिटर्न, और एक होता है मेरे बेटा जी सेल्स रिटर्न. परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, याद रखना, आने वाली ट्रांजेक्शन में यूज होगा, दोबारा नहीं समझेंगे हम, अभी समझ लिया हमने. परचेज रिटर्न, इसे आप रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हो, और इसे आप रिटर्न इनवर्ड भी कहते हो.
रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, क्लियर है ना? रिटर्न आउट। अब देखो कई बार तुम सामान खरीद के लाते हो, परचेज करते हो, पर सामान पसंद नहीं आता, तुम वापस कर देते हो, दैट इज परचेज करो हुआ माल, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, मतलब सामान जा रहा है तुम्हारे पास से, आए ना? आउटवर्ड, आउटवर्ड जा रहा है, आउट आउट। सेल रिटर्न, तुमने अपने कस्टमर को सामान बेचा, कस्टमर के पास था पर कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो कस्टमर ने क्या कर दिया, तुम्हें वापस कर दिया, ये बोलते सेल करो, पैसा वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। क्या बोलते मेरे बेटा जी इसे तुम? सेल्स रिटर्न। सेल करो माल इनवर्ड, वापस आ गया, वापस, क्लियर ही नहीं है, उल्टा हो गया, क्लियर है? दोबारा बोलूंगा, जब आप गुड्स परचेज करते थे तो परचेज अकाउंट लिखते थे, बोलो हाँ या ना? जब तुम गुड्स सेल करते थे तो तुम सेल्स अकाउंट लिखते थे, बोलो हाँ या ना? लेकिन मेरे बेटा जब परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न अकाउंट लिखना पड़ेगा, जब सेल रिटर्न होगा तो सेल रिटर्न अकाउंट लिखना पड़ेगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो गुड्स अकाउंट ना हो के ओपन, गुड्स की जगह चार वर्ड आ जाते हैं, बिल्कुल, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, जैसी सिचुएशन होगी वो नाम यूज करेंगे, क्लियर है? हाँ है ना? इसको समझने का एक तरीका और भी है, समझ लेना मेरे बेटा जी, इसे बोलते हैं रिटर्न टू। अगर रिटर्न टू लिखा है, यानी कि हमने रिटर्न करा, रिटर्न टू, हम रिटर्न कब करेंगे, जब हमने परचेस करा होगा, लेकिन वो तो रिटर्न बाय, किसी और के द्वारा रिटर्न करा गया, रिटर्न बाय, कोई दूसरा हमें रिटर्न कर रहा है, वो कब करेगा हमें रिटर्न, जब हमने उसे सेल करी होगी, बोलो हाँ है ना? ठीक है, बस इसी के ऊपर बेस था, जो बीच की दो ट्रांजेक्शन थी उन्हें हम कंप्लीट कर देते हैं, इस पे हमने छोड़ा हुआ है। क्या लिखा है, अप्रैल 7 पढ़ो, रिटर्न टू लिखा है, रिटर्न टू, हमने गुड्स वापस कर दिया, रिटर्न टू किसको, पंकज, देखो अप्रैल 3 में, इसमें देखो हमने खरीदा था सामान, अब वापस कर रहे हैं उस सामान, 12,000 का सामान वापस कर रहे हैं पंकज को, क्लियर ही नहीं है, रिटर्न टू कर दिया, रिटर्न टू। अब दिमाग लगाना मेरे बेटा जी, हम अपने को क्या मानते हैं मेरे बेटा जी, बिजनेस, और बिजनेस मान के क्या करेंगे, हम सामान वापस कर रहे हैं पंकज को, तो पंकज तो हुआ रिसीवर, हम वही गिवर मानेंगे नहीं, अपन के पास कुछ आ नहीं रहा, लेकिन अपन के पास गुड्स जा रहा है, यानी वापस कर रहे हैं ना, कोई खर्चा नहीं है, कोई इनकम नहीं है, डन। तो डेबिट में राइट कहाँ पर है मेरे बेटा जी, रिसीवर, रिसीवर कौन है मेरे बेटा जी, पंकज, लिखो अप्रैल की 7 तारीख, पंकज अकाउंट डेबिट, क्लियर है? क्रेडिट में राइट कहां पर है मेरे बेटा जी, गोज आउट, क्या जा रहा है, गुड्स वापस जा रहे हैं, गुड्स वापस जा रहे हैं ना, तो जब गुड्स परचेस कर रहे थे तो परचेस लिखा था, अब रिटर्न कर रहे हो तो परचेस, परचेस रिटर्न अकाउंट लिखोगे, क्लियर है? डन। नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज, नाउ नेक्स्ट, अप्रैल की 9 तारीख, क्या लिया पढ़ो, गुड्स रिटर्न बाय नरेश, रिटर्न बाय नरेश ने रिटर्न करा, नरेश कब रिटर्न करेगा, जब उसको हमने सेल करी होगी, और देखो ये रहा अप्रैल 5 पढ़ो, हमने नरेश को सेल करी थी, उसे वापस कर दिया सामान, पसंद नहीं आया, 1400 का रूल लगाए, देखो जी अगर नरेश हमें वापस कर रहा है तो नरेश हो जाएगा गिवर, वो दे रहा है हमें सामान, और हम हो जाएंगे रिसीवर, हम खुद को रिसीवर मानेंगे नहीं, लेकिन नरेश को गिवर मानेंगे, गुड्स कुछ आ रहा है, गुड्स लौट कर आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन अपन के पास कुछ जा नहीं रहा, न खर्चा न इनकम, डन, क्लियर। अब डेबिट में राइट कहां पर है, कम्स इन, क्या आ रहा है, वापस गुड्स आ रहा है, ठीक है, चलो जी, जब गुड्स सेल करा था तो सेल लिखा था, वापस आ गया तो रिटर्न इनवर्ड लिख दो या सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख दो, बात क्लियर हो गई। क्रेडिट में राइट कहां था, बंदा नरेश था, गिवर,
टू नरेश, गिवर पे राइट था ना, 1400 रुपये का नरेशन, बीइंग गुड्स रिटन बाय नरेश, डन। ये था मेरे बेटा हमारा पहला क्वेश्चन। मैं समझता हूँ सबको जितनी बातें मैंने बोली हैं समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। इसी सीरीज में हम परचेज के और सेल की और भी ट्रांजेक्शन लेंगे और अच्छे से लेंगे ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 9953247951 पे। बाकी आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।